हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी वाली खुशखबरी देने वाली हूँ, आई मीन गुड न्यूज़ देने वाली हूँ, बहुत ही अच्छी वाली। आप लोग ये गुड न्यूज़ सुन के बहुत ही हैप्पी हो जाएगी। कुछ लोग को ये गुड न्यूज़ अच्छी तरीके से मालूम है, बट किसी लोगों को नहीं मालूम है। सो मैं आप लोगों को बता दूँ, इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स का फिर से नया सीज़न आया है, सीज़न 8। सो उसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस वोट करना है, जैसे हम लोगों ने उस बार किया था। अगले बार 2021 मतलब 2021 तो अभी चल रहा है, बट अभी 2022 आएगा, तो वहाँ पर जो है ना हमारा जो है ना इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स का जो वोटिंग लाइन्स है वो क्लोज हो भी जा सकती है, या फिर इसी ईयर ही क्लोज हो जाएगी, ये भी हम लोग जो है ना कह सकते हैं, क्योंकि कुछ जो है ना कन्फर्म नहीं है। सो मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी मतलब जो है ना फर्स्ट पर चल रहा है सुमित, मतलब एक्टर वाले सेक्शन पर इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स पर। सो फर्स्ट पर चल रहे हैं सुमित, सेकंड पर है प्रविष्ट मिश्रा 52,000 वोट्स के साथ। सुमित जो है ना, सुमित इंस्टाग्राम के वोट्स में आपको बोल रही हूँ, सुमित जो है ना 52,000 वोट के साथ अभी वो फर्स्ट पर है। सेकंड पर प्रविष्ट मिश्रा 52,000 के वोट के साथ, वो भी सेकंड पर चल रहे हैं। थर्ड पर राहुल सुधीर है 38,000 वोट्स के साथ। फोर्थ पर है शरद मल्होत्रा, एंड उन्होंने शरद मल्होत्रा को ज़्यादा वोट्स नहीं गए, 31,000 वोट्स के साथ वो अभी फोर्थ पर चल रहा है। फिफ्थ पर करणवीर शर्मा है, उनको 22,000 वोट्स गए हैं अभी तक। सो फर्स्ट पर है मल्लिका सिंह, एक्ट्रेस वाले सेक्शन पर मल्लिका सिंह को 50,000 वोट्स गए हैं, 50,000 वोट्स मतलब कम नहीं है, वो अभी फर्स्ट पर ही चल रही है। सेकंड पर सुरभि है, सुरभि चंदा ना ही है और ना ही सुरभि ज्योति है, सुरभि है, सुरभि समृद्धि बोल के एक आईडी है इंस्टाग्राम पर, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, वही सुरभि ही है। सो सुरभि को अच्छे खासे वोट्स जा रहे हैं, 40,000 वोट्स गए। थर्ड पर है हला शाह, उनको 39,000 वोट्स गए हैं। फोर्थ पर है शिवांगी जोशी, उनको 20,000 वोट्स गए हैं। फिफ्थ पर है देवतम्मा शाह, उनको 19,000 वोट्स गए हैं। यही सारी रैंकिंग्स हैं, जोड़ी वाली रैंकिंग मैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो पर शेयर करूंगी, एंड आज ही वीडियो आएगा, तो अगले वीडियो को अवॉइड कीजिए। एंड यही था बस अपडेट, जल्द मिलूंगी किसी न्यू वीडियो में।